नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई फ्लाइट से रिलेटेड। फ्लाइट का भी टॉपिक क्या है भाई, राजस्थान से हम बात करेंगे, राजस्थान से संबंधित, क्योंकि मेरे पास एक वीडियो आया है आप लोगों के साथ, वो वीडियो भी मैं शेयर करूंगा। और दूसरी बात भाई, वंदे भारत 4 जो चल रहा है मिशन, 1 जुलाई से लेके 14 जुलाई तक का शेड्यूल है, आपको पता है 14 दिन में। और राजस्थान के लिए कितनी फ्लाइट है आप देख लीजिए, सबसे कम फ्लाइट मुझे लगता है कि इंडिया में अगर हैं तो सबसे कम राजस्थान के लिए फ्लाइट हैं। दुबई में इंडिया के लाखों आदमी बैठे हैं और राजस्थान के हज़ारों आदमी बैठे हैं, लेकिन सबसे कम फ्लाइट दुबई से राजस्थान पहुंचेगी। अब यार ये आदमी, आप लोग जो दुबई बैठे हो भाई, वो कैसे पहुंचेंगे? और भी दूसरे स्टेटों के, और भी दूसरे आप देशों में हो, आप कैसे पहुंचोगे? गहलोत सरकार ने सबसे कम इजाज़त दी है भाई, फ्लाइटों से रिलेटेड हम बात करेंगे। तो गहलोत सरकार से निवेदन है कि भाई इंडिया में जो विदेशों में जो फंसे हैं उनके लिए फ्लाइट देनी पड़ेगी, अगर नहीं दोगे तो फिर बंदे कैसे आएंगे, उनके लिए मुश्किल हो जाएगी भयंकर तरीके से, क्योंकि सबसे कम फ्लाइट है। वंदे भारत 4 में दुबई से कितनी फ्लाइटें हैं? 2 से 3-4 फ्लाइटें आएंगी मात्र। अब इन में भी कहां से फ्लाइटें पहुंचेंगी भाई? आबू धाबी से, दुबई से फ्लाइटें हैं, बंदे बैठे हैं आबू धाबी में, शारजा में बैठे हैं, तो वो लोग कैसे इंडिया पहुंचेंगे? एक वीडियो मेरे पास आया है, उसके माध्यम से आप समझने की हम कोशिश करेंगे कि राजस्थान के लोगों की दुबई में या दूसरी कंट्रियों में कितनी हालात ख़राब हैं। गहलोत सरकार अगर सोचेगी तो ही कुछ हो पाएगा भाई, क्योंकि बात अभी आ गई राज्य सरकार पे, केंद्र सरकार का कोई रोल नहीं है फ्लाइट से रिलेटेड। अगर हाँ, हमारी सरकार चाहेगी स्टेट गवर्नमेंट की भाई ठीक है फ्लाइटें आनी चाहिए, वर्कर आने चाहिए, तो ही फ्लाइटों का शेड्यूल बन पाएगा, वरना कोई ऑप्शन नहीं है भाई। केंद्र सरकार को, डीजीसीए को गाली देने का कोई औचित्य और कोई मतलब नहीं है। आप वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करें कि भाई राजस्थान के लोगों की खासतौर से गल्फ कंट्रीज़ में कितनी हालात ज़्यादा ख़राब है। तो चलिए वीडियो देखते हैं, ज़रूर शेयर भी करें भाई, ताकि ये वीडियो सरकार तक पहुंचे, सरकार तक ये बात पहुंचानी ज़रूरी है सोशल मीडिया के माध्यम से, ताकि फ्लाइटों का शेड्यूल आगे से बनाया जा सके राजस्थान सरकार द्वारा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हाँ सर, सलाम वालेकुम जी। ये राजस्थान बंदे हैं, सीकर, जयपुर, चूरू, बीकानेर, डीडवाना, कुचामण, रतनगढ़, पूरे आदमी हैं, एक ही रूम के आदमी हैं इतने, ठीक है ना। और हम 6 महीने से रूम में बैठे हैं, हम अमेसी में जाते हैं, अमेसी वाला ये बोलता है तुम्हारे राजस्थान का कोई फ्लाइट नहीं है अभी तक, ठीक है। कोई आदमी बीमार है, किसकी घर की प्रॉब्लम है, किस में कोई प्रॉब्लम है, ये सब यहाँ फंसे हुए हैं। कंपनी से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी हमको बोलती है तुम टिकट लाओ जाओ। हम अमेसी में 3 बार गए, वो भाई बोलता है हमको कि राजस्थान के अंदर अभी कोई फ्लाइट नहीं है, ठीक है। राजस्थान की फ्लाइट होगी तुम लोग को भेजेगा। और अशोक जी से हमारी ये निवेदन है कि हमको जल्द से जल्द हमारे घर बुलाया जाए, आपके पास जगह नहीं है तो हम हमारे घर पर रह जाएंगे, ठीक है। ये 15 दिन में सिर्फ एक फ्लाइट राजस्थान का दिया हुआ है, इधर कम से कम हर रूम में इतने इतने बंदे राजस्थान में बैठे हैं। आप हमारे राजस्थान सरकार से गुजारिश है कि हमको जल्द से जल्द घर पे बुलाया जाए। हमारे पास खाने के लिए कंपनी हमको दे रही है खाना, पर हमारे के पास खर्चा नहीं है, मेडिकल कार्ड नहीं है, सब कुछ नहीं है हमारे पास। कोई बंदा बीमार है, कोई घर की प्रॉब्लम है, किसका कोई इधर का कोई प्रॉब्लम है, ये आपको हम बता रहे हैं, ठीक है ना। राजस्थान सरकार से जल्द ये इधर पहुँचा जाए, ठीक है ना। आप इन लोग के सुनिए थोड़ा। ये देखो, ये बंदे का पेपर देखो, इसके पर्सनल पास में प्रॉब्लम है, ये बंदा 6 महीने से दुख पा रहा है, इसलिए इसने रिजाइन मारा था, अभी तक इसका कोई सुनाई नहीं हो रहा। जितने राजस्थानी बंदे हैं सबके सब सीकर, चूरू, बीकानेर, डीडवाना, जयपुर, झुंझुनू, नागौर, सबके इधर फंसे हुए हैं, ठीक है। आप ये जितना भी ये हो सके जितना वीडियो शेयर करें और हमारे राजस्थान सरकार तक पहुंचाएं। हमने दिल्ली में, हमारे को दिल्ली के लिए मना किया हुआ, पंजाब के लिए मना किया, बम्बई के लिए मना किया, जो शेड़ का आदमी उस शेड़ में जाएगा। 15 दिन से सिर्फ एक फ्लाइट दिया है राजस्थान के लिए, वो भी दुबई से दिया हुआ। हम आबू धाबी में इतने बंदे फंसे हुए हैं, जल्द से जल्द हमारा ये काम किया जाए, ठीक है ना। धन्यवाद, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।